हेलो एवरीवन, रेंडर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम हरे मटर और सोयाबीन की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे और उसको बहुत ही गर्म करेंगे। और सोया चंक्स को उबाल के निचोड़ के रख लिया था मैंने और उसे भी डाल दिया है। इसे अच्छे से भून लेंगे सुनहरा होने तक और इसे अब हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी और 2-3 लाल मिर्च। अब हम कटे हुए प्याज डाल देंगे, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। आप देख सकते हैं गाइज, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टमाटर प्यूरी डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से पकाना है। तो टमाटर हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर है ये, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी तेज आंच पे अच्छे से पका लेंगे। जब हमारे मसाले पक जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वो अंदर से जले ना, और फिर इसे हम अच्छे से पकाएंगे। जब यह पक जाएगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे और हरी मटर डाल देंगे। ये उबली हुई हरी मटर है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसी समय भुनी हुई सोया चंक्स भी डाल देंगे और इन सभी को मिला लेंगे। और इसे ढककर अच्छे से पकने देंगे मीडियम आंच पे। 5-6 मिनट के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें कुछ कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप लोग भी जरूर डालें। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। हरे धनिया से गार्निश कर देंगे इसे। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग जरूर एक बार ट्राई करें। और ये सब्जी कैसी बनी है हमें जरूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।